हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर होंगे। आज 10वीं बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए हैं और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। मेरे संस्थान से भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने बोर्ड के एग्जामिनेशन में बढ़िया मार्क्स लाया है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आगे के भविष्य के लिए। फ्रेंड्स, ये आपका पहला कदम था और आपने इसको काफ़ी अच्छे से भुना भी लिया है और काफ़ी अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपने लाए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सेलिब्रेट नहीं करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि खुशी का सेलिब्रेशन तो सब करता है, खुशी जब आती है तो हर कोई उसको सेलिब्रेट करना चाहता है। हाँ, कीजिए, लेकिन आपका सफ़र यहीं थम नहीं जाता है, यहाँ से आपका सफ़र शुरू हो रहा है। आपने पहला पायदान आसानी से पार कर लिया है। अब ज़िंदगी के सफ़र में आपको विभिन्न प्रकार के पायदान आएंगे, लेवल्स आएंगे और उनको आपको कंप्लीट करते चलना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहीं पर नहीं रुकेंगे और आगे जो भी आप 10वीं के बाद करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र के लिए अभी से आप कमर कस के तैयार हो जाइए और उस क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास कीजिए। लेकिन दोस्त, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट उतना बेहतर नहीं आ पाया। उन्होंने तैयारी तो बहुत अच्छी करी लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको रिज़ल्ट जो है वो बेहतर नहीं आ पाया। तो उसके लिए आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। होता है अक्सर कि हम जितनी तैयारी करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, उसके अनुसार रिज़ल्ट नहीं आ पाता है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे असिस्टेंट्स को भी देखा है जो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। एक दोस्त, एक बात बताता हूँ मैं, एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। आपने क्रिकेट खेला होगा या देखा भी होगा, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आता है और तेज गेंदबाज गेंद डालता है और बल्लेबाज उसको हिट करता है लेकिन वो बॉल मिस कर जाता है, तो क्या वो बैट को छोड़ करके, ग्राउंड छोड़ करके बाहर आ जाता है क्या? या फिर वो क्या उस दिन से खेलना छोड़ना बंद कर देता है क्या? नहीं, बंद करता है खेलना, क्योंकि उसको पता है कि एक बॉल मिस हुई है तो अगली बॉल आएगी और उस बॉल को हम बाउंड्री के बाहर सिक्स रन के लिए भेज सकते हैं। लाइफ भी हमारा इसी तरीके का है दोस्त। लाइफ में भी हमें विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ आती है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो एग्ज़ाम दिया उसमें यदि हम फेल कर गए हैं तो फिर हमें अगला मौका नहीं मिलेगा। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हम उस बाड़ी का इंतज़ार करेंगे और उस मौके को इतनी अच्छी तरीके से भुनाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। तो दोस्त, यदि आप फेलियर हुए हैं तो डिमोटिवेट नहीं होइएगा और ना ही किसी प्रकार का गलत कदम उठाइएगा। और गार्जियन से भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, पेरेंट्स से भी, कि यदि आपका बच्चा कम मार्क्स लाया है या फेलियर हो चुका है तो आप उसको डिमोटिवेट ना करके मोटिवेट करने का प्रयास करें, ताकि वो और अच्छे से अगले सेशन के लिए बेहतरीन तरीके से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाए। तो दोस्त, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं वो आगे की तैयारी में जुड़ जाइए, और जिन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट यदि ख़राब आया है तो वो अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करें और अगली बार बेहतरीन मार्क्स लाएं। तो इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।